Hi friends, good morning everyone. Let's take one more numerical from quantum physics. एक और numerical हल करते हैं. Question इस प्रकार है, एक radar का स्पंदकाल 0.25 microsecond है. फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि क्या है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पे आधारित क्वेश्चन है. एक बार फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि किन्हीं भी दो संयुग्मित राशियों विहित राशियों में अनिश्चितता का गुणनफल एच क्रॉस बाय टू से कम नहीं हो सकता. यानी मिनिमम जो अनिश्चितताओं का गुणनफल है वो एच क्रॉस बाय टू है, और चूंकि समय और ऊर्जा ये भी दोनों विहित संयुग्मी राशियां हैं, विहित संयुग्मी राशि होने के लिए दोनों राशियों का गुणनफल है, उसकी विमा है वो एच प्लैंक कांस्टेंट की विमा के बराबर होनी चाहिए, अर्थात जूल सेकंड के इक्वल होना चाहिए. राडार का स्पंदकाल ये है, फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता ज्ञात करते हैं. समय में अनिश्चितता कितनी दे रखी है? समय में अनिश्चितता डेल्टा टी ये दे रखी है 0.25 माइक्रोसेकेंड. सो इट विल बी 25 × 10⁻⁶ एंड −2, सो −8 सेकेंड. सो अनिश्चितता सिद्धांत से ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई मल्टीप्लाइड बाय टाइम में अनिश्चितता अनसर्टेनिटी इन टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू. हम मिनिमम ले लेते हैं इसका अनिश्चितता का. सो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू. हमें ज्ञात करना है डेल्टा ई. सो डेल्टा ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू डेल्टा टी. सो ये हमें ज्ञात करना है. अब जो वैल्यू जो भी राशियां हैं उनकी वैल्यू पुट करें हम. सो ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच क्रॉस एच क्रॉस की वैल्यू एच अपॉन 2π. सो वैल्यू हो जाएगी 1.054 × −34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 × Δt ट्वाइस डेल्टा टी 25 × 10⁸. ये सो डेल्टा ई इक्वल टू 1.054 × 50 × 10⁻¹ 10⁻³⁴. सो डेल्टा ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई अप्रोक्सीमेटली बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू एकदम एग्जैक्ट नहीं होती, हम इसे न्यूनतम ले रहे हैं. सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.054 50 10⁻³⁴ ऊपर है, नीचे से जाएगा −8 +8 हो जाएगा. इस 50 का कुछ हम कर लें, 50 यहां 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लें. सो 50 × 2 100 जब हो जाएगा 10⁻² और 10⁻⁸, नीचे क्या बचेगा 10⁻⁶. आसानी से देख लें इसको, इंटू 10⁻⁸
अगली स्टेप में इसे हल कर लें इनटू टू. सो डेल्टा ई टू से मल्टीप्लाई इसे करें सो 2.108 टेन टू पावर माइनस 34. 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 10 टू पावर माइनस 6 और जब ऊपर आएगी पावर सो 10 टू पावर प्लस 6. सो डेल्टा ई विल बी ऊर्जा में अनिश्चितता 2.108 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 जूल, 10 की पावर माइनस 28 जूल बहुत छोटी राशि है तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लें. सो 2.108 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से भाग देना पड़ेगा. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और अब ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी. सो डेल्टा ई विल बी नियरली इक्वल टू ऊर्जा में अनिश्चितता फोटोन के. सो 2.108 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 सो 10 की पावर माइनस 9 ईवी ये हो जाएगा अपने पास. अब इसका भाग दे दें दशमलव को ऊपर नीचे काट लें तो एक अंक आगे किसके का 16 का 21.08 में भाग देना है. सो डेल्टा ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 5 50 पॉइंट 16 3 48 2 28 16 2 32 सो लगभग 1.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 1.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ऊर्जा में अनिश्चितता होगी फोटोन के. तो किस प्रकार से हल किया हमने इस क्वेश्चन को, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत लगाया, समय में अनिश्चितता हमने दे रखी है, ऊर्जा में अनिश्चितता पक्षांतरण किया एच क्रॉस अपॉन 2 इंटू डेल्टा टी, एच क्रॉस की वैल्यू रखी 1.054 10 टू पावर माइनस 34 बटे 2 ये डेल्टा टी का वैल्यू. इसको हल करने के लिए आसानी से हल करने के लिए 25 इंटू ये 50 हो गए और पावर में दिक्कत नहीं हो तो हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया सरलता से हल करने के लिए. सो ये नीचे 100 हो गए तो 100 यहां से पावर 10 की पावर 2 10 की पावर माइनस 8 तो 10 की पावर माइनस 6 बची, ऊपर आई तो 10 की पावर प्लस 6 होगी. 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया और ये 2.108 हो गया. 2.108 इन 10 टू पावर माइनस 28 जूल. और फिर चूंकि 10 की पावर माइनस 28 जूल बहुत छोटी राशि है जूल में तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दिया. इसके लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमने भाग दे दिया 1.6 इन 10 टू पावर माइनस 19 का और इससे जब हम हल किया तो हमारे पास फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता प्राप्त हुई 1.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थैंक्स डियर स्टूडेंट्स.